किसान भाइयों, स्वराज 855 थ्री स्टार रिवर्स पीटीओ में है। ज़्यादा तारीफ क्या करूं, इसके बारे में तो आप परिचित हैं ही। इसमें गुडियर के टायर हैं 14-28 के और अगले हैं 6-16 के। सादा स्टेयरिंग, ये पीटीओ है 540 में इसकी। ये हाइड्रोलिक लॉक दिया है इसमें और ये दिया है जी 4 गियर हैं इसमें। ये स्वराज का सस्ता ट्रैक्टर है, कहने को तो ये 7,10,000 बता रहे, पर जब लेने वाली बात आवे तो ऊपर नीचे तो हो ही जा रहे। जबरदस्त इंजन है, सफर में जब पैर दुखने लगते हैं यहाँ पैर टेक लो, पायदान भी इसके ऊंचे ही हैं, दिक्कत नहीं पड़ती। हाइड्रोलिक भरोसे की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर स्टीयरिंग की आवश्यकता नहीं, खर्चा बढ़ाना किसान भाइयों। इसका तो स्टीयरिंग वैसे ही अपने आप में पावर स्टीयरिंग की तरह ढाल चलता है। आजकल आप कोई सा ट्रैक्टर ले लो, सभी के ढाल चलते हैं। स्टीयरिंग तो पहले हुआ करते थे कोल्लू की तरह घुमा करते बड़े कैडे, अब तो कंपनी सभी बड़े झाड़ बना रही है। सच में बताऊं, मैंने अब तक पावर स्टीयरिंग नहीं चलाया। एक दिन चला के देखा, मुझे तो अजीब सा लगा, मेरा तो मज़ा आता है साथ स्टीयरिंग। सड़क पे पूरी तेज दौड़ा के जब मैंने स्टीयरिंग हिलाया तो मुझे डर लगा, मैं कभी पलट ना जा, मुझे नहीं सूट आया वो। मेरा तो साथ स्टीयरिंग भी मन लगता है, बाकी भाई अब अपनी समझ है। आजकल तो 4 स्टार भी इसी की बराबर काम कर रहा है, 50 HP में निकाल दिया ये स्वराज। शेर ट्रैक्टर है, मेरी तो सोच ये है, इसे 7-10 का बता रहे। इसकी कीमत क्या है, मगर इसकी कीमत क्या है? 6,70,000 इसकी बताई गई है 4 स्टार की। ताकत इसमें भी कम नहीं है, 50 HP में भी ये कर दिया गया। पावर स्टीयरिंग है, जो सुविधाएं 3 स्टार में नहीं है 855 में वे स्वराज 700 FE 4 स्टार में दे दी है। पावर स्टीयरिंग भी है, वही 14 के टायर हैं, पिछला हिस्सा सेम है, इंजन 50 HP का है। पसंद हमने तो ये बरता है, 3 स्टार वाला था पहले, शायद 2 स्टार था हमारा तो। अब आपकी पसंद है, आपको 744 अच्छा लगता है या 855, पसंद आपकी अपनी है। दोस्तों जो भी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। नमस्कार।